हाय दोस्तों, नो द फ्यूचर के लिए आपके लिए एक और वीडियो पहुंच रही है। तो आज हम एनालाइज करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन का हाथ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये वाला जूम करना, सबसे पहले देखेंगे फिंगर्स। तो इस बार थंब तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक बर्ड डिफेक्ट विच इज नॉट रिलेटिंग टू पामिस्ट्री, उनके दो थंब है। बट एनी वेज वी कैन स्टिल एनालाइज द रेस्ट ऑफ द पॉम। तो सबसे पहले देखेंगे फिंगर्स, फिर माउंट, फिर लाइन और साइन ऑन द पॉम। अच्छा, तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये जो हथेली है इनकी, ये है स्क्वेरिश। तो जब स्क्वेरिश होता है पॉम, तो इसका मतलब होता है कि जो बंदा है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, सिमिलर टू शाहरुख खान। उनके भी पॉम शेप ऐसी है। तो स्क्वेरिश जब भी आप इसके पॉम शेप देखें, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है पर्सनैलिटी में। अच्छा, फिर आप देखेंगे द फिंगर सेटिंग्स। तो फिंगर सेटिंग्स ये जो थोड़ी सी लो सेट है, द लिटल एंड जुपिटर फिंगर। तो जब जुपिटर फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, इसका मतलब है कि थोड़े सेल्फ इस्टीम इशूज होते हैं, लो सेल्फ इस्टीम फील करता है बंदा। और जो लिटल फिंगर वो भी थोड़ी सी है, तो शाइनेस फील होती है बंदे को। बट आप अगर देखें तो लेंथ में तो ये रिंग फिंगर के फर्स्ट लेंथ से लंबी है। सो इट इज़ अबव एवरेज मर्क्यूरी फिंगर, जो बहुत अच्छी है कम्युनिकेशन और एक्टिंग वाले डोमेन्स के लिए। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ये अगर आप देखें तो सेकेंड एंड फर्स्ट फेलेंजेस काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो इसका मतलब बंदा प्रैक्टिकल भी है और थिंकर भी है। इंटेलेक्चुअली ये काफ़ी एक्टिव है और फिजिकली भी, जो आपको बताया ये है। इसके साथ ही आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव साइन कि जो बेस फेलेंजेस हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं और पफी भी नहीं है। तो जो बेस फेलेंजेस जो होते हैं वो पफी और शॉर्ट होते हैं। सुना बंदा वर्ल्डली डिजायर्स और जैसे खाने पीने का और ड्रग्स लेने का, उसमें उसको एडिक्शन नहीं होती ना, उसको इतना शौक होता है। तो ऐसे लोग काफ़ी फिजिकली फिट रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, जो ये अभी से हैं। अच्छा, तो फिर ये होगी फिंगर्स की। और साथ ही साथ फिंगर्स काफ़ी स्ट्रेट हैं, फिंगर्स काफ़ी लंबी हैं। तो एनालिटिकल नेचर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, मतलब कि काफ़ी चलाक नहीं है, सीधा सीधा बोल देते हैं जो नया नया। एक और पॉजिटिव फीचर है ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिंगर्स, विच शोज एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड अ वेरी ओरिजिनल थिंकिंग, भी बहुत अच्छा साइन है। सर्टन फिंगर काफ़ी लंबी है, विच शोज के बंदा बहुत सीरियस है लाइफ में। अच्छा, अब हम देखते हैं जो माउंट्स बता रहे हैं। सबसे पहले तो डेवलप्ड जो है माउंट वो है ये वाला जो है जुपिटर का। तो जुपिटर वो काफ़ी डेवलप्ड है, विच शोज जब जुपिटर की क्या क्वालिटीज होती हैं, वो है सक्सेसफुल एम्बिशन एंड पोजिशन लाइफ। तो जिनका जुपिटर डेवलप्ड होता है उनकी मैरिज भी अच्छे खानदान में होती है, जो उनकी सुजैन रोशन होती है। और दूसरा, वो काफ़ी अच्छे पोजिशन में रहते हैं, उनको काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। साथ ही साथ ये जो सैटर्न है वो मतलब कि एवरेज है, बट काफ़ी लाइक दबाव है। तो जब दबाव होता है तो बंदा अगेन बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बट कभी कभी उनको करियर में सेटबैक होते हैं, जैसे कि थोड़ी फिल्म में फ्लॉप होती है। कोई भी मनी रिलेटेड और सैटर्न रिलेटेड, जो मनी दिखाता है उससे रिलेटेड सेटबैक होते हैं, बट ये काफ़ी पेशेंट नेचर के हैं। फिर इन्हीं के साथ ये दो माउंट्स अच्छे डेवलप, मर्क्यू भी काफ़ी डेवलप्ड है और अपोलो इज़ एवरेजली डेवलप्ड, बट इट इज़ डेवलप्ड, विच शोज के काफ़ी टैलेंट है। शायद एक्टिंग से भी ज़्यादा राइटिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो, तो इनको डिफरेंट डोमेन्स भी करना चाहिए। अभी तो डांसिंग, बॉडी बिल्डिंग और एक्टिंग में काफ़ी कामयाब है। मर्करी का बहुत अच्छा होना है, इसमें ये बिजनेस में काफ़ी अच्छे हैं, कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे लोग साइंटिफिक, कम्युनिकेटिव और बिजनेस रिलेटेड फील्ड में बहुत कामयाब होते हैं। अच्छा, उसके साथ आप देखें कि ये जो मैंने पहले बताया, अगर वीनस और मर्क्यूरी, सॉरी वीनस और मून, माउंट ऑफ मून डेवलप हो, तो ये शो करता है कि बंदे को सारी लग्जरीज मिल जाती है लाइफ में। इसका डेवलप होना होता है कि इनको ट्रैवलिंग का शौक है और कभी कभी ओवर थिंक कर लेते हैं, और ये बंदे को अट्रैक्टिव बनाता है। एंड ऑल्सो इनसे आई मीन ये ऑप्शन साइड से काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही लोअर मार्क्स भी थोड़ा सा डेवलप्ड है, जो थोड़ी एग्रेसिव नेचर बनाता है। तो इनको अपनी एग्रेशन को थोड़ा उसको योगा के थ्रू, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू काम करना चाहिए। शायद इसी वजह से इनकी डिवोर्स हुई और शायद कंगना रनौत के साथ भी काफ़ी लड़ाई रही है अभी जो प्रेजेंट टाइम्स में है। अच्छा, तो इसके साथ ही हम देखेंगे जो हार्ड वर्किंग नेचर देखिए, तो उसके साथ ही बहुत ही ये अगर आप लाइफ सॉरी फेट लाइन देखें तो ये बहुत ही डार्क है। तो जब डार्क होती है फेट लाइन, बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है और वो हार्ड वर्क के सिवा सोचता ही नहीं कि किसी और तरह सक्सेस मिल सकती है। साथ ही साथ लाइफ लाइन भी काफ़ी डार्क है, जो हेल्थ दिखाती है, बट वो काफ़ी अटैच्ड है। अगर आप देखें तो ये शो करता है 0.30 का। तो 30 तक इन्हें लाइक अपने से डिसीजन ने लिया है, और ये अपने अब्बू की फिल्म में आते थे ऋतिक रोशन की, जो वो डायरेक्ट करते थे। और तो इसका मतलब कि 30 तक ये काफ़ी रिस्ट्रेंड रहे हैं,
और काफ़ी शायर हैं। इसके साथ ही ये जो है, ये एज है शुरू से ही, जैसे हम कह सकते हैं 12 के ऐसे, तो ये चाइल्ड स्टार आते थे, तीन फिल्मों में ही आए हुए हैं शुरू में अपनी लाइफ के, तो काफ़ी एम्बिशियस रहे हैं शुरू से। अच्छा, इसके साथ जो नेगेटिव पार्ट है, हमारे की लाइफ लाइन थोड़ी जल्दी आता होती है, तो बहुत लोग कहते हैं लाइफ लाइन जल्दी आता होती है तो लेट आता है, बट इसका मतलब होता है कि बंदा की जो वाइटैलिटी होती है वो इस वक्त ख़त्म हो जाती है, तो इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली एज ऑफ 50 में, क्योंकि यहाँ पे लाइफ लाइन कम हो रही है। इसका यह मतलब नहीं कि ये शायद अपने आप को ओवरवर्क कर लें और हेल्थ प्रॉब्लम फेस करें थ्रू ओवरवर्क, बट इसके साथ ही अगर ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सो इट ऑल विल बी वेल। अच्छा, तो हम इसके साथ और क्या हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, वो भी होता था। अच्छा, तो जो लाइफ लाइन, सॉरी, हेडलाइन और लाइफ लाइन जो ज्वाइंट है वो मैंने पहले से बताती है, बट उनमें आइलैंड यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये जो आइलैंड है ये इनको 20s में और 20s से भी पहले इनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे इनकी जो स्पाइन थी उसमें एक प्रॉब्लम थी, स्कोलियोसिस इनको कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वो टर्म नहीं पता, और साथ इनको स्पीच थेरेपी की प्रॉब्लम थी, तो इनको डॉक्टर ने कहा कि आप कभी एक्टर नहीं हो सकते, और साथ ही डिफॉर्म थंब की वजह से काफी मजाक पड़ा जाता था, तो यही जो लोएस्ट सेल्फ स्टीम इससे शो होती है, और ये अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस लो साइड मर्की फिंगर्स है, बट इन्हें वो ओवरकम किया, क्योंकि आप बाद में देखें तो हेडलाइन और लाइफलाइन काफी अच्छी है, साथ में हेडलाइन भी शुरू से अच्छी है जिनने इनको विल पावर दिया। अच्छा, उसके साथ ही ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आफ्टर दिस पॉइंट, पहले तो वो वीक थी हेडलाइन और लाइफ लाइन अटैच, बट ये देखें तो ये सीधी जा रही है फिर स्ट्रेट जा रही है, विच शोज बैलेंस, क्योंकि ये स्ट्रेट है फिर थोड़ी नीचे जा रही है, तो ये माउंट टू मून पे आगे थे, ये इमेजिनेशन कहती है, तो इट शोज अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब कि इमेजिनेशन में भी अच्छे हैं और लॉजिक में भी अच्छे हैं, मतलब कि अगर इन्हें कोई लॉजिकल काम करना हो वो भी थिंक कर सकते हैं, और इनका डोमेन बहुत ही डुअल है। अच्छा, उसके साथ ही ये भी इंडियन मॉमेंट्री भी बहुत अच्छा माना जाता है साइन, जब सॉरी मैं प्रेफर करना, जो ये जो हार्ट लाइन है ये काफ़ी स्ट्रेट जा रही है, थोड़ा सा हल्का कर्व ले रही है, बट ये सैटर्न के नीचे हाथ हो रही है, जो ये सैटर्न मोटर है, तो ये दिखाता है जब स्ट्रेट होती है हार्ट लाइन, ये भी सक्सेस का साइन होता है, तो बंदा अन इमोशनल होता है, इवन दो ये थोड़ा सा सेंसिटिव है जो मैं दिखाता हूँ आपको क्यों, तो ये शो करता है बहुत ही बंदा बैलेंस्ड होता है और पार्टनर बहुत अच्छा चूज करता है, इवन दो इनकी डिवोर्स हो गया। अगेन इसमें एक नेगेटिव साइन मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं ये बहुत लाइट हो गई है फेट लाइन, या ऑलमोस्ट नजर नहीं आ रही है अगर देखें तो, ये बहुत ही लाइट हो चुकी है, तो जब ये बहुत लाइट हो जाती है या बिल्कुल होती नहीं, या ये फेंट या मिटकी होती है फेट लाइन फ्रॉम 36 टू 50, जो ये 15 साल है इसमें बंदा थोड़ा डिप्रेस रहता है, तो साथ ही साथ 35 के से इसको ये भी कहते हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेता है, मतलब उसको कमाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें ये है कि ये 35 के बाद इनकी आई थिंक 45 में, सॉरी 40 में डिवोर्स होती है, अभी 45 या 44 में, तो इनको थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ होगा इस वक्त। अच्छा, तो ये मगर साथ ही इसके बहुत अच्छी यहाँ पे सनलाइन है, शोज के 55 का दिया है कम बैक करेंगे, और मतलब कि एक फील्ड में इनका काफ़ी सक्सेस होगा जो एक्टिंग है। इसके साथ ही जो गैप है बिटवीन हेडलाइन एंड हार्डलाइन वो बेहतर होते जा रहा है, जो इनकी ओपन माइंडेडनेस से कहता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 40, तो इनको बस ये 40 में और 50 में, 50s और 40s में ध्यान रखना चाहिए डिप्रेशन का, 40s में तो इनको मेंटल डिप्रेशन होगा और 50s में कोई फिजिकल डिप्रेशन, फिजिकल वीकनेस होगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है इनको और भी अब सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि माउंट्स काफ़ी डेवलप्ड है, वीनस और जुपिटर, सॉरी वीनस और मून, जो मैंने पहले भी बताया कि जैसे लोनार्डियो डिकैप्रियो और द रॉक के भी काफ़ी डेवलप्ड है, विशोस ये बंदे को सारी लग्जरीज होती हैं लाइफ में, और करियर भी इनको काफ़ी जल्दी शुरू हुआ है, क्योंकि फेट लाइन बहुत अर्ली ऐसे शुरू हो गया है, और हाँ ये भी आप देखें कि ये जो दोनों हैं लाइफ लाइन और फेट लाइन काफ़ी पास हैं, तो इसमें ना यहाँ पे फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत है, क्योंकि अबू भी एक्टर डायरेक्टर है मैं, तो इसमें कि जितना ये पास हो ना फेट लाइन लाइफ लाइन के, तो इस वक्त इनको फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये काफ़ी देर तक रहता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल थॉटफुल पेशेंट और सुपर हार्ड वर्किंग पर्सन है। हाँ, तो वो मैंने कहा था कि ये जो है ये इनको कहते हैं सेंसिटिव पैरेंट्स, तो ये जब होता है बंदा काफ़ी सेंसिटिव होता है, बट ये इस तरफ से एक तरफ से अच्छा भी होता है, क्योंकि आर्टिस्ट को ये ज़रूरत होती है ऐसे पैरेंट्स की, बट ये इनको बहुत लाइक ही कैन बी हर्ट ऑन स्मॉल थिंग, या पहले हर्ट होता था ये फिर ओवरकम करते हैं लोग इस टेंडेंसी को एट लेटर एज। सो दिस वाज द पॉम डिग्री ऑफ रिटिक रोशन, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव अ वेरी नाइस डे।